दोस्तों नमस्ते, मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं यहाँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स उनका मैसेज लेकर आई हूँ। तो डियर यहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर अगर आपसे कांटेक्ट में भी है, नो कांटेक्ट में भी है, तो उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपसे छुपा रहे हैं, और जो छुपा रहे आपसे नहीं बोल रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसे आपके लिए फीलिंग्स चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं, तो ये मैं यहाँ देखना चाहती हूँ मैसेज के माध्यम से कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए पॉजिटिव रहें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें। मैं देखती हूँ यहाँ आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए डियर एंजल्स गाइड कीजिएगा, कृष्ण गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स क्या है, उनका मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, एंजल्स गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा, कृष्ण गोविंद गाइड कीजिएगा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी मैं इतना निकालती हूँ कार्ड डियर। देखिए डियर, लीगल इश्यू या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आपके पार्टनर लीगल इश्यू से गुजरने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ लीगल इश्यू आया है डियर। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो तो डिवोर्स के मामले चल रहे हो, तो यहाँ लीगल इश्यू की संभावना दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन बोलना चाहते हैं आई वांट टू टच यू एंड हग यू, तो यहाँ किसी के पार्टनर कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, शायद हो सकता है डियर कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, थर्ड पार्टी को लेकर या फिर प्रॉपर्टी को लेकर लीगल इश्यू चल रही है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे शेयर ना कर रहे हो, ठीक है। और ये आपके पार्टनर आपको दिलासा दे रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें हग करना चाहता हूँ, ये आपसे प्यार करना चाहते हैं डियर। लेकिन हो सकता है डियर कि आपके पर्सन अभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम, उनके लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो डियर मेरे कुछ भी बस इनर वर्क नहीं करें, प्लीज आप इनर वर्क कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन बोलना चाहते हैं अगर मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लीगल इश्यू चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, ठीक है डियर। लेकिन अभी इनके लाइफ में प्रॉब्लम है और ये आपको सोलमेट कह रहे हैं डियर, तो ये कहना चाहते हैं मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तुम स्ट्रांग रहो, ठीक है। आप स्ट्रांग रहोगे तो वो भी स्ट्रांग रहेंगे, आपको बोल रहे हैं अपना अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है, देखिए डियर यहाँ पे एनर्जी बहुत, इनको अट्रैक्शन भी है क्योंकि यहाँ पे टच की एनर्जी आई है, तो फिर वही यहाँ पे निकल कर आई है, काश तुम जोर से गले लगा कर कहो कि पागल मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूं, तो ये पर्सन आपके कहना चाहते हैं। फिर यहाँ अट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है, कुछ लोग की गुड न्यूज मिलने वाली है डियर। देखिए हो सकता है आपके पर्सन आपके तरफ कॉल मैसेज करे, आपके तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ चाहत है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है दो कार्ड से डियर, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो डियर आपके पर्सन की एनर्जी आपने देखा, प्रॉब्लम है लाइफ में, प्रॉब्लम चल रही है, आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपको गले से लगाना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, और आपको आप जो हो उनकी सोलमेट हो ये कहना चाहते हैं। गुड, आपको इनर वर्क करना है क्योंकि आपको भी बैलेंस में आना है, ठीक है डियर। कुछ मेरे व्यूवर्स बैलेंस में नहीं है क्योंकि कुछ मुझे लग रही आने वाले टाइम में आपको इनर वर्क काम करेगा, एनर्जी में उतार चढ़ाव होने वाली है डियर, ठीक है। आपके इनर आपके जो भी है एनर्जी में उतार चढ़ाव की मुझे देख पा रही हूँ, इसलिए आपको इनर वर्क करना है, गुड न्यूज मिलेगा, हो सकता है आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़े डियर, ठीक है। एंजल्स गाइड कीजिए क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स के पार्टनर, प्लीज टेक केयर। देखिए डियर कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपसे, देखिए डियर यहाँ पे ये भी कहना है, अगर आपसे आपके पार्टनर ने मुलाकात की है, आपके साथ फिजिकल हुए, आपसे प्यार किए और वो फिर चुप हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी दिख रहा है डियर कि यहाँ पे आपको बोले वी स्ट्रांग, ठीक है, आपको स्ट्रांग बोल रहे हैं कि आप स्ट्रांग और टूटो मत, अगर जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है ये कहना चाहते हैं तुम स्ट्रांग रहो, टूटो नहीं, अपने ऊपर फोकस करो, अपना ध्यान दो, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपसे छल कपट नहीं किए हैं डियर, ये आपसे आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, ये बहुत खुश है डियर, ठीक है, आपको अपने लाइफ में पाकर ये बहुत ही खुश है, ये कहना चाहते हैं। गाइड कीजिएगा, देखिए
आई मिस यू सो मच। तो यहाँ पे गुड न्यूज की जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, कुछ के देखिए डियर, यहाँ मैं दो एनर्जी बताऊंगी। कुछ के पार्टनर की रियूनियन में मुलाकात हुई है, आपसे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होकर या आपके तरफ बढ़े हैं, कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आपको बोलते हैं कि घबराना नहीं है, स्ट्रांग रहो, अपना ध्यान दो, ये कहना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है कि बहुत ही अट्रैक्शन आपके पर्सन को हो रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। गुड न्यूज मिल सकता है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको गले से लगाना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। दो तीन कार्ड आई है डियर इस बात की, लेकिन यहाँ जो इनर वर्क की जो कार्ड आई है डियर, मैं बता देती हूँ, इनर वर्क जो का जो कार्ड आया डियर, और लीगल इशू का इनर वर्क इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने एनर्जी ली होगी, फिर वो हो सकता है आपके लाइफ में ऑन ऑफ करे, ठीक है। इसलिए आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको इनर वर्क करना है, बैलेंस में आना है, क्योंकि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आने वाला है, लीगल इशू से गुजरने वाले हैं, या फिर आपके लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको वो चाहते हैं क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो, ठीक है। यू आर माई अदर हाफ, देखिए डियर वही बात निकल रही है, ठीक है, वही बात निकल रही है, वो समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, लेकिन ये रीयूनियन, देखिए डियर यहाँ कुछ की रीयूनियन हो चुकी है, कुछ लोग की होने वाली है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन एनर्जी में आपको उतार चढ़ाव भी होगी डियर। इनर वर्क करना है बैलेंस में रहने के लिए, ठीक है। कुछ के पार्टनर ऑन ऑफ की सिचुएशन मुझे दिख रही है, कुछ लोग रीयूनियन होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। कुछ की रीयूनियन है, कुछ लोग और होने वाली, बट अभी उतार चढ़ाव की एनर्जी इनर वर्क ये बता रहा है डियर, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखें, आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका ये प्रॉमिस और आप उन पर ट्रस्ट करो, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए क्या हो सकता है कुछ लोग की रीयूनियन हुई है, बहुत आपसे अट्रैक्ट हुए, आपके करीब आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि आप घबराओ नहीं, आप स्ट्रांग रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, विश्वास करो, वो आपको जस्टिस देंगे डियर, ये कहना चाहते हैं। लीगल इशू निकला, तो कहीं ना कहीं कुछ टावर मूवमेंट आने वाला है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है डियर। और देख लेती हूँ, लीजिए अभी आपके करीब और पर्सन आने वाले हैं। यू आर सेक्सी एंड ब्यूटीफुल मेरी जान, बहुत ही अट्रैक्शन आपके पर्सन को हो रहा है डियर, ठीक है, कुछ को तो हो चुका है, ठीक है, और ये अदा आपकी तरफ इनको खींच रहा है, इसलिए ये रीयूनियन होने की संभावना कुछ लोगों की है डियर, ठीक है। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इनर वर्क का कार्ड आता है ना डियर, तो मैं सोचने लगती हूँ कि कुछ आप लोग का बैलेंस में उतार चढ़ाव है, ठीक है। You are my angel, ठीक है डियर। अभी आपके पार्टनर हो सकता है प्यार से बोलते हैं कि आप उनकी एंजल हो, सही बात है, आप उनके काउंटर पर आप ब्यूटीफुल हो, सेक्सी हो, तो रियूनियन तो होगी, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन डियर मैं यहाँ बोलूंगी बहुत कंट्रोल होकर चलना है, ठीक है, और आपको गुस्सा नहीं आना, अपने ऊपर बैलेंस करना। इनर वर्क का जो कार्ड आया है ना डियर, मैं उससे बहुत इस पर हूँ कि आपकी एनर्जी ऊपर नीचे हो सकती है, मेड फॉर ईच अदर, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो डियर ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनका मैसेज। यहाँ दो एनर्जी निकल कर आई है डियर, ठीक है, एक आई है रीयूनियन हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए आपके पर्सन बोल रहे हैं घबराओ नहीं, आपको विश्वास रखना है। दूसरी एनर्जी है कि कुछ लोग की रीयूनियन हो रही है, लेकिन टावर मूवमेंट आने वाला है, ये एनर्जी मुझे दिख रही, गुड न्यूज मिल रहा है, कुछ लोग की रीयूनियन हो रही है, लेकिन यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है डियर। दूसरी एनर्जी में भी आप उनके सब कुछ ये मानते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके लाइफ में लीगल इश्यू चल रहा हो या फिर टावर मूवमेंट आने वाला हो, खुद पर काबू रखिएगा, कम से कम बैलेंस में रखिए, कि मुझे कुछ यहाँ इनर वर्क की वजह से बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो थोड़ा बैलेंस में रहिएगा, एनर्जी में उतार चढ़ाव हो सकता है, अपने ऊपर फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है डियर, ठीक है। एक मैं इसमें से लेना चाहती हूँ कि आपके मैं यहाँ आपके लिए एक लेना चाहती हूँ डियर, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को आप अपने तरफ से क्या कहते हो, एक कार्ड आपके लिए लेती हूँ, कितनी फीलिंग्स है आपको, देखिए आप भी बोल रहे हो अपने पर्सन को, आपके लिए मैंने निकाला, आई लव यू जान, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे, जब तक जिंदा है सिर्फ तुमको ही चाहेंगे, ये मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को कह रहे हैं, ठीक है, ये आप अपने पार्टनर को कह रहे हो, आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं, काश तुम पूछो कि तुम मेरे क्या लगते हो, मैं गले लगाऊंगा और कहूंगा सब कुछ तुम में, सब कुछ तुम हो डियर। तो मैं दो ही निकालूंगी, एक आपका एक पार्टनर का, ठीक है, आपकी फीलिंग्स ये है और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। आपने कहा दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे, जब तक जिंदा है सिर्फ तुमको ही चाहेंगे, ये आपने कहा, आपके पार्टनर ने कहा काश तुम पूछ के तुम मेरे
काश तुम पूछो कि तुम मेरे क्या लगते हो, मैं गले लगाऊंगा और कहूंगा सब कुछ, मतलब आप हो। तो देखिए डियर, यहाँ ट्रू फीलिंग्स है, लेकिन देखिए डियर, सोलमेट जर्नी में उतार चढ़ाव होती है, बैलेंस आपको करना है, क्योंकि इनर वर्क का कार्ड आना ही बहुत ही, और यहाँ अट्रैक्शन का आना ही कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपकी बैलेंस भी ऊपर नीचे होगी, आपके पार्टनर की भी होगी। गुड न्यूज मिलेगा, रियूनियन हो रही है कुछ लोग की, कुछ लोग की होने वाली है, टावर मूवमेंट आने वाला है आपके पार्टनर के लाइफ में। तो प्लीज आप अपने पर फोकस करें, इनर वर्क करें, ठीक है डियर। अगर मुझसे प्रश्न सेशन लेना हो डियर, अगर आप सोलमेट जर्नी ट्विन जर्नी में हो, गाइडेंस लेनी हो, तो आप मुझसे प्रश्न सेशन ले सकते हो। गाइडेंस को फॉलो कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, खुद को बैलेंस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए कि आपको करना क्या है डियर। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है डियर। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।